को जानता हूँ, मेरा वो वाला फ्रेंड है जो मेरे को बहुत स्मार्ट लगता है, सबसे स्मार्ट बंदा है वो। स्मार्ट दिखने में या इंटेलेक्चुअली या मतलब आपने बात के फील किया है कि भाई ये बहुत मतलब कि गहराई तक जाके सोचता है कुछ भी बात को, मतलब कि अच्छा अगर आप मेरे से ये पूछो कि भाई कौन है वो पर्सन जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ जिनकी थिंकिंग से या जिनकी अंडरस्टैंडिंग से, तो दैट इज जय कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति। सुना है आपने इनका नाम? सर इनकी शायद बुक है ये, रॉकेट साइंस के? नहीं 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 नहीं, नॉट रॉकेट साइंस। इनकी बुक है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, और भी बहुत सारी बुक्स हैं इनकी, इनकी वीडियोस भी हैं जो मेरे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। बाकी सब उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, दैट इज ऑल लाइक लाइक डस्ट, ठीक है, मिट्टी से कुछ बना रहे हैं, ग्रौंदे टूट गए आ गए चले गए, ये सब इन टाइम एंड इन स्पेस। तो उपनिषद से काफ़ी हेल्प हुई है, और एक पर्सन है जो इतने पॉपुलर नहीं है, मतलब उनको कोई जानता नहीं है, बट उन्होंने कहीं पे पॉइंट किया था जहाँ से मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ। तो आप ये तीन डॉट कह सकते हो प्राइमरली, एक उपनिषद्स, उसको वेदांता भी बोलते हैं, द एसेंस ऑफ ऑल वेदास वेदांता, तो वो मैंने स्टडी किया, वहाँ से बहुत हेल्प हुई। एक जय कृष्णमूर्ति, कुछ बुद्धिस्ट मंक्स रहे हैं पास्ट में, जैसे एक बुक है हिंसिन मिंग करके, HSIN MING, MING, बहुत छोटी सी बुक है, उसके ऊपर मैंने काफ़ी मेडिटेशन करी है कई कई दिनों तक, दैट बुक ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट। इसको यहीं पे रैप अप करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को, इस क्वेश्चन को, है ना? आपके हो गए सारे क्वेश्चंस कवर हो गए?